क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, एपी के टर्म्स दिए हुए हैं 4/5 A and 2, मतलब इस एपी में फर्स्ट टर्म है 4/5, सेकंड है ए और थर्ड है 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यही आपका क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर ए बी सी एपी में है तो 2B = A + C होता है, ये फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला यूज करेंगे 2B = A + C, आपको पता है पहले से। तो यहां पे आप लिख सकते हैं वी नो दैट 2B = A + C। अब यहां पे ए बी डिफरेंट थिंग है, अब यहां पे जैसे बीच वाला टर्म हमारे पास बी होता है, लेकिन यहां ए, ठीक है, ए बी सी, सपोज ए बी सी ये ऐसे है तो 2B = A + C। तो यहाँ पे b की जगह पे a है तो 2a हो गया, और a की जगह पे 4/5 और c की जगह पे 2, ऐसे कर लिए। Hence 2a = हो गया 5 × 10, 10 + 4 कितना हो गया 14/5, तो a 2 से काट दीजिए इसको 7, तो a = कितना हो गया 7/5, और यही आपका आंसर है। दैट्स वेरी सिंपल। ओके,